ईरान से तनाव के बीच ब्लिंकन का चीन दौरा। अचानक चीन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी संभव है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अचानक चीन पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। And of course, we'll be dealing with areas where we have real differences with China. Dealing with them directly, communicating clearly. Face-to-face diplomacy matters. It's important for avoiding miscommunications, misperceptions, and to advance the interests of the American people. ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। आप जरा समझिए, ईरान और चीन और रूस की शह है जिससे उसकी ताकत तीन गुना बढ़ जाती है और यह सुपर पावर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान को मिले शह का असर मिडिल ईस्ट में तनाव के तौर पर साफ नजर आ रहा है। अब अमेरिका को उम्मीद यह है कि चीन इस मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे करेगा, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच जंग में चीन ईरानी खेमे में खड़ा हुआ है। यह अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाली बात है और चीन को रोकना बेहद जरूरी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में अंदर खाने कोई बड़ी डील हो सकती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या कोशिशें हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की? बिल्कुल करुणा, देखिए जैसा कि अभी अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुद अपने बयान में कहा और दर्शकों ने सुना कि फेस टू फेस डिप्लोमेसी मैटर्स, तो उन्हें लगता है कि चीन में जब वो चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे या बहुत हद तक संभावना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हो जाए, तो वो इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अमेरिका का साथ दे चीन। और उनका ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका ने इजराइल को और यूक्रेन को मदद देने के साथ साथ उन्होंने ताइवान को भी मदद देने की घोषणा की है। तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, लेकिन इन सबसे अलग जो ईरान और रूस का गठबंधन है, जो ईरान रूस और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन है, उसमें चीन की भूमिका जो महत्वपूर्ण है, उससे किस तरह से उनको किनारे किया जाए या कम से कम उसे साइड लाइन करके रखा जाए, ये अमेरिका की कोशिश होगी। लेकिन अब देखना होगा कि कितना इसमें वो कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका ये दौरा अमेरिकी हितों के लिए निर्णायक दौरा साबित होने वाला है। मिडिल ईस्ट का आने वाले समय में जो परिणाम होगा वो बहुत हद तक निर्भर करेगा। जी बिल्कुल मनीष, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लिंकन का चीन दौरा कई एजेंडों के साथ हुआ है और इसके बाद जो सामने आएगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर मीटिंग में बात क्या हुई है। नजर आप बनाए रखिएगा।